दोस्तों हमारे पास एक और बॉक्स आ चुका है फ्लिपकार्ट की तरफ से, जिसके अंदर है दोस्तों सैमसंग का गलेक्सी F23 5G वाले वेरिएंट। दोस्तों जी मैंने काफ़ी कम कीमत में मंगाया है, आपने थंबनेल में देख ही लिया हुआ, तो आप इस कीमत में इसे कैसे मंगा सकते हो जी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। प्लस दोस्तों आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊँगा कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जब आप इस फ्लिपकार्ट से कोई फ़ोन बाई करते हो तो आपको वहाँ पे ऑप्शन वाला ऑप्शन आता है कि डिलीवरी बॉय आपको बॉक्स ओपन करके दिखाएगा, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो मैंने वही सिलेक्ट किया था, तो मैंने ओपन करके देख लिया था वहीं पे। तो दोस्तों मैं इसको निकालता हूँ, ये बॉक्स है फ़ोन का और इसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं है शायद इसके अंदर, तो इसका इनवॉइस होगा। हाँ जी इनवॉइस है, चलो इसको साइड में रखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन। दोस्तों जी देखिए, जी है सैमसंग का गलेक्सी F23 5G, जिस पर दोस्तों फ्लिपकार्ट की ये लगी हुई है सील, जिसको मैंने कट कर दिया था कल जब मंगाया था। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए इसकी की अलर्ट की बात करूँ तो इसमें आपको मिलती है 6.72 सेंटीमीटर की फुल रेक्टेंगल डिस्प्ले। दोस्तों इसके अंदर जो मेन डिस्प्ले है वो है 6.6 इंच की, बट दोस्तों इसके अंदर सैमसंग का डिवाइस है बट इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलती, इसमें मिलती है आपको TFT डिस्प्ले। बट दोस्तों TFT भी अच्छी है सैमसंग के अंदर, क्योंकि सैमसंग जो डिस्प्ले बनाता है काफ़ी अच्छी बनाता है। इसमें आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। प्रोसेसर की बात करूँ तो 7 सीरीज का है 750G, दोस्तों 5G फोन है जी। कैमरा दोस्तों इसमें 50+60+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है। दोस्तों अच्छा फ़ोन है प्राइस के हिसाब से, और सैमसंग का फ़ोन दोस्तों कैमरे तो काफ़ी अच्छे होते हैं सैमसंग के, आपको पता है। ये देखिए साइड में यहाँ पे गलेक्सी F23 5G लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों कुछ यहाँ वेरिएंट है। मैंने कौन सा कलर मंगाया, मैं दोस्तों मैंने मंगाया है फॉरेस्ट ग्रीन कलर 128GB और 4GB वाला वेरियंट। दोस्तों प्राइस की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दी गई है, मैंने अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसकी प्राइस दी गई है 22,999 रुपये, बट जी एक्चुअल में कितने का है ये तो आपको पता ही है। चलिए बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं। वैसे दोस्तों आपको कुछ दिख रहा होगा कि सैमसंग गलेक्सी F23 5G का जो बॉक्स है वो सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं वैसा है, जिससे आपको पता लग चुका होगा कि इसके अंदर दोस्तों हमें एडाप्टर नहीं मिलेगा। चलिए ओपन करते हैं, तो इसमें एक और बॉक्स है उसे देखते हैं उसमें क्या है। दोस्तों सबसे पहले आती है इसमें सिम इजेक्टर पिन, दोस्तों ये देखिए जी है यूजर मैनुअल, और ये है दोस्तों टाइप सी केबल। तो दोस्तों इसमें हमें बैक कवर भी नहीं मिलता, कम से कम बैक कवर दे देते फिर भी अच्छा था, बट इसमें हमें बैक कवर भी नहीं मिलता, सिर्फ टाइप सी केबल मिलती है, जिसके लिए दोस्तों आपको एक अलग से एडाप्टर लेना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई पुराना एडाप्टर पड़ा हुआ है और फोन का, तो दोस्तों वो भी काम नहीं करेगा इस केबल में, क्योंकि इसमें दोनों तरफ टाइप सी दी गई है। तो ये एक दिक्कत की बात है, क्योंकि नॉर्मल लोगों के पास दोस्तों नॉर्मल चार्ज जो होते हैं और फोनों के, उसमें टाइप ए का पोर्ट आता है, टाइप सी का नहीं आता। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें हमें क्या मिलता है। तो देखिए इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो काफ़ी क्विक अनबॉक्सिंग हो चुकी है जी। देखिए जी है मेरे पास स्मार्टफोन, बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इसकी EMI वगैरह लगी हुई है, EMI नंबर, और दोस्तों जी है ग्रीन कलर, तो इस पर रैपर लगा हुआ है जिसको मैंने अभी हटाया नहीं है, क्योंकि कवर इसमें हमें मिला नहीं, और इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक की दोस्तों जो प्रोटेक्शन लगी जाती है वो भी नहीं है। तो चलिए मैं इसको पहले हटाता हूँ, निकालता हूँ इसमें से, चलो बाद में निकालता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों पहले कि जी है इसमें 3 कैमरे का सेटअप, जिसमें अभी आपको बताया था 50+8+2, यहाँ है दोस्तों वाटर ड्रॉप वाला 8 मेगापिक्सल का कैमरा, नीचे दिया है दोस्तों टाइप सी पोर्ट, और इसमें आपको 3.5 mm का जैक भी मिलता है, और यहाँ दोस्तों है स्पीकर। तो दोस्तों आपको बताऊँ इस पर सिंगल स्पीकर मिलता है, डुअल नहीं मिलता, बट इसका दोस्तों सिंगल स्पीकर है, काफ़ी लाउड है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी साउंड के मामले में। इस साइड में है दोस्तों ऊपर वॉल्यूम अप डाउन बटन, जो है तो एक ही बटन है, उसमें आप ऊपर और नीचे यूज कर सकते हो, बट एक ही अलग अलग नहीं है। और यहाँ है दोस्तों इसका पावर के बटन, जिसमें दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है
कि इसकी डिस्प्ले एमोलेड नहीं है तो आपको फिंगरप्रिंट दिया गया है साइड में। अगर एमोलेड होती तो आपको साइड डिस्प्ले के अंदर मिलता, बट एमोलेड नहीं है तो साइड में दिया गया है। यहाँ दिया गया है दोस्तों सिम ट्रे, जिसमें आप दो सिम प्लस मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हो। और दोस्तों इसमें मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है, जिसमें आपको सारे ब्रांड मिलेंगे 5G वाले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं इसे सेटअप करता हूँ और आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने फ़ोन सेटअप कर दिया, ये देखिए अभी इसकी ब्राइटनेस दोस्तों देखिए मैंने फुल कर दी है, तो दिख भी नहीं रहा कुछ। मैंने सेटअप कर दिया इसे और अपने वाईफाई से कनेक्ट भी कर दिया है, बट अभी सिम नहीं डाली इसमें। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखिए, काफ़ी अच्छी इसमें जो कलर वगैरह है काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। इसमें मिलता है दोस्तों 120 इसका रिफ्रेश रेट, ये देखिए देखिए जब आप स्क्रॉल वगैरह करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों जिस फ़ोन में दोस्तों आपको मिलता है 120Hz, तो दोस्तों उसमें दिक्कत ही नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन एकदम स्मूथ चल रहा है, क्योंकि दोस्तों 120Hz में डिस्प्ले काफ़ी अच्छी चलती है। तो बैटरी की बात करूँ दोस्तों, इसे मिलती है 5000mAh की बैटरी और 25W की चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, तो आपका फ़ोन काफ़ी टाइम नहीं लगेगा चार्ज होने में। अगर आप एक अच्छा चार्जर लेते हो तो सैमसंग का, क्योंकि डाटा केबल इसमें ऑलरेडी दी गई है, तो आपको एक 25W चार्जर लेना है और आपकी बैटरी कम से कम इस फ़ोन की बैटरी 1 से 1.5 दिन चल जाएगी। अगर आपका दोस्तों यूजेज है ज़्यादा हैवी नहीं है और नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है, तो 1 दिन से ऊपर आपकी बैटरी चल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा फोन दोस्तों, 11,250 रुपये का आपको मिल सकता है। और आपके पास अगर सुपर कॉइन है फ्लिपकार्ट पर, तो आप उसमें 1,000 सुपर कॉइन एड कर सकते हो। तो इस तरीके दोस्तों जो आपको मिल सकता है 10,250 का, जिसमें जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। पर दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जितने भी ऑफर मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको कैश पेमेंट में। अगर आप इस फ़ोन को EMI पे लेते हो या कैश ऑन डिलीवरी पे लेते हो, तब आपको दोस्तों इस कंडीशन में कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो काफ़ी अच्छा फोन है दोस्तों, इसकी डिस्प्ले में मिलती है हमें गोरिल्ला ग्लास 5P प्रोटेक्शन। बैग दोस्तों प्लास्टिक का है, तो बैग में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, बट देखने में फ़ोन ऐसा लगता है कि आपके हाथ में सैमसंग का एक महंगा फ़ोन है, क्योंकि सैमसंग की दोस्तों ये फ़ोन की डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो आपको ख़रीदने का लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।